सोमवार को अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने चंद्रयान 2 के विक्रम लैंडर को लेकर एक बड़ा खुलासा किया है। नासा ने अपने ट्वीट के जरिए जानकारी दी है कि उसके लूनार रिकनेसिस ऑर्बिटर ने चंद्रमा की सतह पर चंद्रयान 2 के विक्रम लैंडर को ढूंढ लिया है। नासा के मुताबिक विक्रम लैंडर का मलबा उसके क्रैश होने की जगह से करीब 750 मीटर दूर मिला है। इस काम में चेन्नई के एक इंजीनियर की भूमिका सबसे अहम बताई जा रही है। शनमुगम सुब्रमण्यम एक मैकेनिकल इंजीनियर है और कंप्यूटर प्रोग्रामर है जो लेनोक्स इंडिया टेक्नोलॉजी सेंटर चेन्नई में काम करते हैं। ये मदुरई के रहने वाले हैं और इससे पहले कॉग्निजेंट में प्रोग्राम एनालिस्ट के तौर पर भी ये काम कर चुके हैं। नासा ने मून लूनार रिकनेसिस ऑर्बिटर से भेजी गई 17 सितंबर, 14, 15 अक्टूबर और 11 नवंबर को ली गई तस्वीरों का कई हफ्तों तक अध्ययन करने के बाद मलबे की पहचान की है और बताया है कि ये मलबा विक्रम लैंडर का है। पेशे से मैकेनिकल इंजीनियर शनमुगा सुब्रमण्यम ने नासा की तस्वीरों का इस्तेमाल करते हुए विक्रम लैंडर के मलबे को ढूंढ निकालने में एक अहम भूमिका अदा की है। उन्होंने कई दिनों तक नासा की तस्वीरों का अध्ययन किया और इसके बाद ये कामयाबी उनके हाथ लगी। आपको बता दें कि चंद्रमा की सतह से टकराने के बाद से विक्रम लैंडर का संपर्क इसरो से टूट गया था और इसके बाद से ही विक्रम लैंडर से संपर्क साधने की काफ़ी कोशिशें की गईं, लेकिन विक्रम लैंडर से संपर्क नहीं साधा जा सका था। इसके बाद से ही नासा विक्रम लैंडर की तस्वीरें लगातार भेज रहा है और विक्रम लैंडर के बारे में भारत को जानकारियां भी दे रहा है। और एक बार फिर नासा ने विक्रम लैंडर के मलबे की जानकारी अपने ट्वीट के जरिए दी है। नासा ने सोमवार रात करीब 1:30 बजे विक्रम लैंडर के इम्पैक्ट साइट की तस्वीर जारी की और बताया कि उसके ऑर्बिटर को विक्रम लैंडर के 3 टुकड़े मिले हैं। नासा के अनुसार लैंडर की तस्वीर 1 किलोमीटर दूर से ली गई है। सिर्फ इतना ही नहीं, इस तस्वीर में सॉइल इम्पैक्ट भी देखा गया है। तस्वीर में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि चांद की सतह पर जहां विक्रम लैंडर गिरा वहां सॉइल डिस्टरबेंस यानी कि मिट्टी को नुकसान भी हुआ है। अपनी इस उपलब्धि को नासा ने अपने ट्वीट के जरिए सबको बताया है और इस उपलब्धि में शनमुगा का भी बहुत बड़ा हाथ है। उन्होंने बताया कि चांद की सतह पर उन्हें कुछ अलग सा देखने को मिला और उन्हें ऐसा लगा कि ये शायद विक्रम लैंडर का मलबा हो सकता है। नासा ने जो तस्वीरें जारी की थी उस पर शनमुगा ने काफ़ी दिनों तक अध्ययन किया और बारीकी से जांच पड़ताल की और उसके बाद नासा को इस चीज़ की जानकारी दी। फिर नासा ने भी इसकी पुष्टि कर दी। शनमुग ने 4-5 दिन तक रोज़ाना 7 से 8 घंटे इस चीज़ में लगाए और तब जाकर ये कामयाबी उनके हाथ लगी है। शनमुगा को लैंडिंग साइट से करीब 750 मीटर की दूरी पर एक सफ़ेद बिंदु दिखा जो लैंडिंग से पहले की तस्वीर में नहीं दिख रहा था और इस बिंदु की चमक भी कुछ ज़्यादा थी। तब शनमुगा को लगा कि ये विक्रम लैंडर का ही टुकड़ा है। तब शनमुगा ने ट्वीट किया कि शायद इसी जगह पर विक्रम चंद्रमा की मिट्टी में धंसकर दफन हो गया है। इसके बाद शनमुगा ने इसरो के लाइव टेलीमेट्री डेटा के मुताबिक विक्रम लैंडर की आखिरी गति और स्थिति के अनुसार लगभग 2×2 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र की पिक्सल स्कैनिंग की और उन्हें भरोसा था कि उन्होंने जो ढूंढा है उसकी कभी ना कभी पुष्टि ज़रूर होगी। उन्होंने नासा को अपनी खोज के बारे में ईमेल किया और नासा ने इसकी गहराई से पड़ताल की और ये पाया गया कि वो विक्रम लैंडर का ही मलबा है जो चांद की सतह पर दिखाई दे रहा है। नासा ने शनमुगा को भी इसका श्रेय दिया है और इस संबंध में शनमुगा के पास नासा का जवाब भी आया है और नासा ने सोमवार की रात करीब 1:30 बजे विक्रम लैंडर के इम्पैक्ट साइट की तस्वीरें जारी की है और ये बताया है कि उसके ऑर्बिटर को विक्रम लैंडर के 3 टुकड़े मिले हैं और ये तस्वीरें 1 किलोमीटर की दूरी से ली हुई बताई जा रही है और वहाँ पर सॉइल इम्पैक्ट दिख रहा है जो बताता है कि यहाँ लैंडिंग हुई थी और इस वजह से यहाँ पर मिट्टी को नुकसान हुआ है और ये मलबा विक्रम लैंडर का ही है।
Subscribe our channel and press the bell icon for more updates.